ओके, इन दिस लेक्चर वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ बेलन। तो आप देखिए कि कोएक्सियल केबल में ये जो इनर कंडक्टर है, इनर कंडक्टर जो है वो डाइपोल के एक आर्म से कनेक्टेड है। ये जो कंडक्टर है, ये इनर कंडक्टर डाइपोल के एक आर्म से कनेक्टेड है। कोएक्सियल केबल का आउटर कंडक्टर, देखिए आउटर कंडक्टर में आउटर कंडक्टर ये है और ये जो अंदर वाला है ये क्या है, इनर कंडक्टर है। आउटर कंडक्टर को मैं क्या कहता हूँ, शील्ड कहता हूँ। तो इस शील्ड की दो सरफेसेस हैं। आप देखिए शील्ड का एक इनर सरफेस है और शील्ड का आउटर सरफेस है। तो ये देखिए यहाँ पे क्लियर पिक्चर दिख रही है। ये जो है ये जहाँ पर ये है, ये शील्ड का इनर सरफेस है और ये शील्ड का क्या है, आउटर सरफेस है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो IF करंट है, ये फॉरवर्ड करंट है, ये इसका नेचर कैसा होगा, कंडक्शन करंट होगा। ये कंडक्शन करंट फ्री स्पेस पे गया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट में। आप देखिए इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के बीच में जो एक कैपेसिटेंस होगा, उस कैपेसिटेंस को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट आई, डिस्प्लेसमेंट करंट किस में कन्वर्ट हुई, कंडक्शन करंट में। और इस IR को क्या बोलते हैं, रिटर्न करंट। रिटर्न करंट को दो पाथ मिल गए, कौन कौन से, एक तो इनर सरफेस से फ्लो हो जाएगा और एक आउटर सरफेस से फ्लो हो जाएगा। तो आप देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर है, मान लीजिए आउटर सरफेस पे, शील्ड के कौन से सरफेस पे, आउटर सरफेस पे। ये शील्ड का कौन सा सरफेस है, इनर सरफेस। शील्ड के आउटर सरफेस पे मान लीजिए करंट फ्लो हुई, तो मान लीजिए शील्ड के आउटर सरफेस पे करंट फ्लो हो रही है, शील्ड कैसा है, कंडक्टर है, और मान लीजिए यहाँ पे एक कोई और मेटल है, दो कंडक्टर के बीच में क्या होगा, कौन सा करंट फ्लो होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। यहाँ पे कौन सा, एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो गई। डिस्प्लेसमेंट करंट का फ्लो होने का मतलब क्या होता है, रेडिएशन होना। इसका मतलब ये है कि हमारी कोएक्सियल केबल क्या करने लगी, रेडिएट करने लगी। किस वजह से रेडिएट करने लगी, क्योंकि क्योंकि शील्ड के आउटर सरफेस पे क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। इस वजह से ये कोएक्सियल केबल क्या होने लगी, रेडिएट करने लगी। तो चलिए इसको और अच्छे से देखते हैं। मान लीजिए कोएक्सियल केबल है, पहले तो आप याद करिए कि व्हाट इज़ कॉमन मोड करंट एंड व्हाट इज़ डिफरेंशियल मोड करंट। तो कॉमन मोड करंट में क्या है, ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। दोनों करंट को देखिए, दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है, दोनों करंट का फेज भी सेम है, दोनों करंट का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो मैग्नीट्यूड और फेज दोनों सेम है, तो इस करंट को हम कौन सी करंट बोलेंगे, कॉमन मोड करंट बोलेंगे। लेकिन इस केस पे देखिए, दोनों करंट का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब कि दोनों का फेज कैसा है, अपोजिट है, मतलब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो ऐसी करंट को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल मोड करंट बोलते हैं। और आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया है बैलेंस अनबैलेंस एंटीना में, कि जो हमारा जो डाइपोल है वो किस करंट पे वर्क करता है, डिफरेंशियल मोड करंट पे वर्क करता है। तो चलिए इसको और अच्छे से देखते हैं। ये क्या है, इनर कंडक्टर है, इनर कंडक्टर से क्या कनेक्टेड है, डाइपोल का एक आर्म कनेक्टेड है। ये कोएक्सियल केबल का शील्ड है, मतलब आउटर कंडक्टर है। शील्ड से क्या कनेक्टेड है, डाइपोल का दूसरा आर्म कनेक्टेड है। चलिए IF और IR दोनों में देखिए रिलेशन कैसा दिखता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, बिल्कुल हैं, तो पक्की बात है कौन सी करंट होगी, डिफरेंशियल मोड करंट होगी। ICM इनर कंडक्टर पे भी है, ICM आउटर कंडक्टर पे भी है, ICM इनर कंडक्टर पे भी है और ICM आउटर कंडक्टर पे भी है। दोनों करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो पक्की बात है ये कौन सा करंट होगा, कॉमन मोड करंट होगा। यहाँ पे देख लीजिए दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है, तो ये बात पक्की है कि ये कौन सा करंट होगा, कॉमन मोड करंट होगा। चलिए एक काम करते हैं, IF और ICM कहाँ से फ्लो हो रहा है, इनर कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, डाइपोल के इस आर्म से गया। ये IF प्लस ICM कैसी करंट होगी, कंडक्शन करंट। यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट में।
इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के बीच में कैसा कैपेसिटेंस होगा? पैरासिटिक कैपेसिटेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ से आया, किस में कन्वर्ट हुआ? IR प्लस ICM, IR को रिटर्न करंट भी बोलते हैं, ICM ये हो गया। अच्छा, आप अच्छे से देखिए, ये शील्ड है, बिल्कुल है। ये शील्ड का कौन सा सरफेस है? इनर सरफेस है। ये शील्ड का कैसा सरफेस है? आउटर सरफेस है। देखिए, शील्ड के इनर सरफेस पे एक ICM आ रहा है और यहाँ से भी एक ICM आ रहा है। देखिए, दो तरफ से ICM आ रहे हैं। कहाँ कहाँ से? एक तो शील्ड के इनर सरफेस से और एक यहाँ से। ये दोनों ICM इधर से और ICM इधर से, दोनों ICM मिल के क्या बने? टू आई सी एम कहाँ पर फ्लो हो रहा है? अच्छे से देखिए, शील्ड के ये शील्ड है, ये शील्ड के आउटर सरफेस पे फ्लो हो रहा है। शील्ड के आउटर सरफेस पे करंट फ्लो कर गई, शील्ड के आउटर सरफेस पे करंट फ्लो हो गई। यहाँ मान लीजिए एक मेटल है, ये भी कंडक्टर है, ये भी मेटल भी, ये भी कंडक्टर है, दोनों के बीच में कैसा कैपेसिटेंस? पैरासिटिक कैपेसिटेंस। तो ये यहाँ से कौन सी करंट फ्लो हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट का फ्लो होना मतलब क्या हो जाएगा? कोएक्सियल केबल क्या कर जाएगी? रेडिएट कर जाएगी। तो क्या बात समझ में आई? कौन सी करंट रिस्पॉन्सिबल है रेडिएशन के लिए? इसमें देखिए, डिफरेंशियल मोड करंट है रिस्पॉन्सिबल के लिए, रेडिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि कॉमन मोड करंट रेडिएशन फ्रॉम द कोएक्सियल केबल के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आप सोचिए कि ये कॉमन मोड करंट ही रिस्पॉन्सिबल है। कॉमन मोड करंट रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रेडिएशन फ्रॉम द कोएक्सियल केबल। तो आपको ये याद रखना है कि कॉमन मोड करंट ही रिस्पॉन्सिबल है किसके रेडिएशन के लिए। किससे रेडिएशन हो रहा है? रेडिएशन कोएक्सियल केबल से हो रहा है। मतलब कि कोएक्सियल केबल में यदि रेडिएशन हो रहा है तो उसमें कौन सी करंट रिस्पॉन्सिबल होगी? कॉमन मोड करंट। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ से IF प्लस ICM यहाँ गया, डिस्प्लेसमेंट करंट में कन्वर्ट हुआ, IR प्लस ICM, एक ICM यहाँ पे आ रहा है, एक ICM इनर सरफेस ऑफ द शील्ड से आ रहा है, इनर सरफेस ऑफ द शील्ड से आ रहा है, दोनों मिल के चला, टू ICM कहाँ पे फ्लो हो रहा है? आउटर सरफेस ऑफ द शील्ड, और यहाँ से पैरासिटिक कैपेसिटेंस के वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट में कन्वर्ट हुआ और रेडिएशन हो गया। मतलब कोएक्सियल केबल रेडिएट करने लगी। किसकी वजह से रेडिएट करने लगी? कॉमन मोड करंट की वजह से इसमें रेडिएशन होने लगा। तो अब क्या है? अब ये है कि हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कोएक्सियल केबल रेडिएट नहीं करे। तो कोएक्सियल केबल कैसा स्ट्रक्चर है? अनबैलेंस स्ट्रक्चर है। और डाइपोल कैसा स्ट्रक्चर है? बैलेंस्ड स्ट्रक्चर है। मतलब अनबैलेंस्ड से बैलेंस के बीच में कुछ तो हमें लगाना पड़ेगा, एक डिवाइस हमको लगानी पड़ेगी, दैट डिवाइस इज नोन एज बेलन। तो वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं? बेसिकली हम चाहते हैं कि ये जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस किसका? शील्ड का। आउटर सरफेस किसका? शील्ड का। इसमें किसी भी तरीके की करंट फ्लो ना हो। यदि इसमें करंट फ्लो नहीं होगी तो पक्की बात है रेडिएशन कोएक्सियल केबल से नहीं होगा, और यही हम चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल का इनर कंडक्टर OA किससे कनेक्ट? OA क्या है? इनर कंडक्टर है। किससे कनेक्टेड है? डाइपोल के एक आर्म से। चलिए देखिए, अब इस कोएक्सियल केबल का शील्ड समझिए। शील्ड कहाँ है? ये देखिए, M से B क्या है? M से B क्या है? इस शील्ड का इनर सरफेस है। ध्यान से सुनिएगा, M से B शील्ड का इनर सरफेस है, और D से E शील्ड का आउटर सरफेस है। M से B शील्ड का इनर सरफेस है। M से B किसका है? शील्ड का इनर सरफेस है। और दूसरी चीज क्या है? D से E क्या है? शील्ड का कैसा सरफेस है? आउटर सरफेस है। चलिए दोनों बात नोट कर लिए। दोनों बात नोट करने के बाद D से C
मैंने एक अलग से एक कंडक्टर लगा के रखा है, एक ट्रांसमिशन लाइन लगा के रखी है। ये पूरा एक ये ऑरेंज कलर का जो एक जैकेट टाइप में दिख रहा है, ये जैकेट टाइप में दिख रहा है, वो एक तरीके का कंडक्टर है। लेकिन आप देखिए, ये जो ऑरेंज कलर का जो कंडक्टर है, इस डी से आउटर सरफेस ऑफ द सील्ड, आउटर सरफेस ऑफ द सील्ड, और ये जो बाहर अलग से एक कंडक्टर लगाया है, दोनों जुड़े हुए हैं क्या? दोनों मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किटेड हैं। इसको अच्छे से फिगर में इस तरफ समझते हैं। देखिए, डी से सी, ये डी से सी, ये क्या है? ये क्या है? अलग से जो कंडक्टर लगा के रखा है, या कि अलग से जो ट्रांसमिशन लाइन लगा के रखी है, इसको ट्रांसमिशन लाइन बोल रहे हैं हम यहाँ पर। डी से सी हमने एक आउटर कंडक्टर लगाया। इस डी से ये वाला डी शॉर्ट है, बिल्कुल है, कनेक्टेड है। इस डी से ये वाला डी कनेक्ट कर दिया। देखिए, डी से ई क्या चीज़ है? डी से ई क्या चीज़ है? अच्छे से याद करिए, डी से ई क्या है? शील्ड का आउटर सरफेस है। मतलब डी से ई शील्ड का आउटर सरफेस है, और डी से सी हमने एक अलग से ट्रांसमिशन लाइन लगा के रखी है। तो क्या ये ट्रांसमिशन लाइन क्या शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन जैसे दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। आप देखिए, डी से सी क्या चीज़ है? एक कंडक्टर हमने बाहर से लगा रखा है, एक ट्रांसमिशन लाइन लगा रखी है। डी से ई क्या चीज़ है? आप अच्छे से देख लीजिए, डी से ई किसका सरफेस है? शील्ड का आउटर सरफेस है। इन दोनों को मैंने क्या करके रखा? ऐड करके रखा, जोड़ के रखा है। इस डी से, इस वाले डी से, और इस वाले डी को क्या करके रखा? कनेक्ट करके रखा, शॉर्ट करके रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? डी से सी लैम्डा बाई फोर, डी से सी लैम्डा बाई फोर, यानी डी से ई की भी लेंथ कितनी होगी? लैम्डा बाई फोर। ऐसा क्यों किया है ये समझते हैं। ये ऐसा इसलिए किया है, अभी इसको समझते हैं अगले पेज में। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक करंट है, और करंट में दो पाथ हैं, एक हाई इम्पीडेंस पाथ और एक लो इम्पीडेंस पाथ। तो आप सोच के देखिए, करंट किस पाथ से फ्लो करेगी? करंट ऑब्वियस सी बात है, लो इम्पीडेंस पाथ को फ्लो लो इम्पीडेंस पाथ की तरफ जाएगी। तो आप देखिए, आप फिर से वही चीज़ देखिए, डी से सी क्या था? डी से सी कौन सा था? एक आउटर कंडक्टर जो लगा के रखा था, यहाँ पे ध्यान रखना है, डी से सी एक आउटर कंडक्टर लगा के रखा, और इसी आउटर कंडक्टर को एक अलग से आउटर कंडक्टर लगा रखा है, जिसको मैं ट्रांसमिशन लाइन बोल रहा हूँ। और डी से ई क्या है? डी से ई क्या चीज़ है? एक बार फिर से देख लीजिए, शील्ड का आउटर सरफेस है, शील्ड का आउटर सरफेस है। क्या ये शॉर्ट सर्किटेड है? तो ये देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये डी से सी एक कंडक्टर लगा के रखा था, और एक डी से ई हमने, डी से ई क्या चीज़ है? डी से ई शील्ड का आउटर सरफेस है, और डी से सी एक अलग से जो कंडक्टर हमने लगा रखा है, ट्रांसमिशन लाइन लगा रखी है। क्या ये शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन है? बिल्कुल दिख रहा है, ये शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन है, बिल्कुल है, जिसकी लेंथ कितनी है? लैम्डा बाई फोर है। तो आपने कभी देखा होगा कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, वो इस तरीके से देखते हैं, जेड एल इज इक्वल टू जेड नॉट ब्रैकेट स्टार्ट जेड एल प्लस जे टाइम्स ऑफ जेड नॉट टेन बीटा एल ओवर जेड नॉट प्लस जे टाइम्स ऑफ जेड एल टेन बीटा एल। बीटा की वैल्यू कितनी होती है? टू पाई बाई लैम्डा। लेंथ की वैल्यू कितनी है? लैम्डा बाई फोर। यहाँ पर रखिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? टेन पाई बाई टू। टेन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट डायरेक्टली रख सकते हैं? नहीं। आप टेन पाई बाई टू, टेन पाई बाई टू यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो ये वाला टर्म इसके नीचे चले जाएगा, ये वाला टर्म इसके नीचे चले जाएगा, मतलब ये तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा? जे जेड नॉट, और नीचे क्या बचेगा? जे जेड एल। तो जे जे कैंसिल आउट हो जाएंगे, जेड नॉट इंटू जेड नॉट जेड स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या मिलेगा? जेड एल। जेड एल मतलब लोड। लोड कैसा है? शॉर्ट सर्किटेड है। लोड कैसा है? शॉर्ट सर्किटेड है। तो जेड नॉट स्क्वायर बाई जीरो, जेड एल की वैल्यू क्या होगी? जीरो, शॉर्ट सर्किटेड है, जीरो। तो इसका इम्पीडेंस कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। तो अब आप देखिए, इस पूरे खेल को समझते हैं इस पेज पे। इस पेज पे समझिए, आप याद करिए, डी से ई, ये देखिए,
ये क्या था, ये क्या था, इनर कंडक्टर है। ये क्या है, इनर कंडक्टर। किससे कनेक्टेड है, डाइपोल से कनेक्टेड है। अच्छा, ये दोनों सेक्शन क्या है, शील्ड है। ये डैश 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 वाली लाइन है और एक ये ब्राउन कलर की जो लाइन है, ये क्या है, शील्ड है। चलिए, ये डैश 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 वाली लाइन क्या है, इनर सरफेस ऑफ द शील्ड है, इनर सरफेस ऑफ द शील्ड है। और ये जो ब्राउन कलर की लाइन है वो क्या है, आउटर सरफेस ऑफ द शील्ड है। एक अलग से कंडक्टर लगाया था, एक अलग से कंडक्टर लगाया था, आप याद करिए, डी से सी एक अलग कंडक्टर लगा के रखा था। इसकी लेंथ कितनी थी, लैम्डा बाई फोर। देखिए, ये शॉर्ट सर्किटेड है, डी से डी शॉर्ट सर्किटेड है। क्या ये इसकी लेंथ लैम्डा बाई फोर है, बिल्कुल है। तो आप सोचिए, शॉर्ट सर्किटेड लाइन लैम्डा बाई फोर डिस्टेंस के बाद कितना इम्पीडेंस देती है, इनफाइनाइट इम्पीडेंस देती है। मान लीजिए एक करंट यहाँ से आ रही है, तो ये करंट यहाँ से जो भी आ रही है, क्या आउटर सरफेस पे फ्लो होगी, आउटर सरफेस ऑफ द शील्ड पे फ्लो होगी? मेरा जवाब है नहीं। ऐसा क्यों कि मान लीजिए यहाँ से करंट आई, ये करंट मान लीजिए इस तरफ जाना चालू करी, तो इसको यहाँ पर कितना इम्पीडेंस दिखने लगा, इनफाइनाइट। इसको इम्पीडेंस कितना दिखने लगा, इनफाइनाइट इम्पीडेंस। तो अब करंट का नेचर क्या होता है, हाई इम्पीडेंस पाथ को फॉलो नहीं करती। वो किस पाथ को फॉलो करती है, हमेशा लो इम्पीडेंस पाथ को फॉलो करती है। मतलब ये करंट की मजबूरी हो जाएगी कि वो किसकी तरफ से जाना चालू हो जाएगी, ये इनर सरफेस ऑफ दिस शील्ड की तरफ से जाना चालू हो जाएगी और आउटर सरफेस से फ्लो नहीं होगी। आउटर सरफेस पे फ्लो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर इम्पीडेंस उसको कितना दिख रहा है, इनफाइनाइट दिख रहा है। तो मैंने अपनी ट्रिक यूज़ करके मैंने करंट को इंटेंशनली कहाँ से फ्लो करा दिया, इनर सरफेस ऑफ दी शील्ड से फ्लो करा दिया और आउटर सरफेस ऑफ दी शील्ड से ब्लॉक कर दिया। तो यही बेलन का काम है। बेलन क्या करता है, बेलन बेसिकली हालांकि बैलेंस टू अनबैलेंस मैच करता है। तो आप देखिए कि यहाँ से जो ये जो करंट आई है वो आउटर सरफेस पे फ्लो नहीं हो रही है, आउटर सरफेस ऑफ द शील्ड से फ्लो नहीं हो रही है। मतलब इसको एक्सल केबल से रेडिएशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और इस तरीके के बैलून बैलून को बोलते हैं बजूका बलून, और स्लीव स्लीव बलून भी बोलते हैं। आप देखिए, आप सोच के देखिए कि यदि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, आप रोट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए तो लैम्डा भी चेंज हो जाएगा। लैम्डा चेंज हो जाएगा मतलब कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हमें डिफरेंट बजूका बलून लेना पड़ेगा। ये भी बात सही है। मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये बजूका बलून हम केवल एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये क्या है, नैरो बैंड डिवाइस है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हमें डिफरेंट बजूका बलून यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें कुल मिला के ये बात समझ में आई कि हम किसी न किसी कदर बैलून की हेल्प से कॉमन मोड करंट को, अच्छा आप याद करिए कॉमन मोड करंट कहाँ से फ्लो हुआ करती थी, अभी मैंने इसी लेक्चर में बताया। कॉमन मोड करंट कहाँ से फ्लो हुआ करती थी, शील्ड के आउटर सरफेस से। तो यहाँ से मान लीजिए कोई भी कॉमन मोड करंट आई भी, तो क्या इस शील्ड के आउटर सरफेस पे जाएगी, क्या नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? मान लीजिए यहाँ से ये जाना चालू भी हुई तो इसको इम्पीडेंस यहाँ पर कितना दिख गया, इनफाइनाइट। तो वो मजबूर हो जाएगी कहाँ से जाने के लिए, इनर सरफेस ऑफ द शील्ड की तरफ से जाने के लिए मजबूर हो जाएगी। और हम यही चाहते हैं कि शील्ड के आउटर सरफेस पे किसी भी तरीके का करंट फ्लो ना हो। यदि नहीं होगा तो कोएक्सियल केबल हमारी रेडिएट नहीं करेगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। होपफुली ये बजूका बलून आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको आप फिर से पढ़िए, रिवाइज करिए, देखिए और अपने से सॉल्व करिए। और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।